और आप जो कल एक बात बोले कि अगर 30 आदमी में निकालो 28 हमारे नाम निकलते हो, फैक्ट है वो। पूरा रमजान 1:45 बजते ही दो ब्लू प्लाट्स में जो है फौरी आ जाते हैं, झाड़ के नीचे ठहरे हुए। क्या बोलते मास मास के साथ, मास के साथ गाड़ी की फोटो, मास निकालने लगा नहीं फोटो ले ले रहे। ये भी कमाल हुआ था ना, मास निकाल के फोटो ले रहे। कम से कम आपका हो गया, देखते हो ना, सही बात करना था हमें। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, पहले क्या होता था, कोई ट्रैफिक पुलिस वाले अगर पकड़े चालान करे तो 100-200 रुपए की रसीद लेकर आपको छोड़ देते थे। अब ये हो रहा कि आप क्रिमिनल केस में बुक कर रहे हैं। अच्छा, समझे मेरी बात, खाली ट्रैफिक चालान नहीं हो रहा आपको, आपको क्रिमिनल केस में बुक कर रहे हैं। कल के दिन नौजवान अगर कोई नौकरी के लिए नो ऑब्जेक्शन देने गया पुलिस का, तो उसको नो ऑब्जेक्शन नहीं मिलता जब तक ये केस ख़त्म नहीं हुआ। केस 3 साल लगते ख़त्म हुआ। लास्ट ईयर जितने गाड़ियों पे पकड़े केस बुक करे, दे हैव ऑल बीन बुक्ड इन क्रिमिनल केसेस। सलमान को जीते जी मानना एक हो गया। दूसरी चीज़, उन्हें पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं करा सकता हूँ, उन्हें पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं करा सकता हूँ। जितने भी केसेस बुक हो रहे हैं, दे आर बीइंग बुक्ड इन क्रिमिनल केसेस। ये तो इसके पीछे ऐसी मांग हो रहा है कि ये KRS को बदनाम करने के आवाज से अमल हो रहा हो, और ये हमारे जो जिम्मेदार ने अपने अहदेदार है, यहाँ तो कोई भी समझदार नजर नहीं आता। ये वाकया हुआ, मीडिया में आया, आपसे कोई CP साहब या होम मिनिस्टर साहब बात की? ऐसी शराफत कहा है उन्होंने, अपनी जरूरत रही तो बात करते हैं। मैं हमारे मौलाना जाफर पाशा साहब के मकान पे हूँ। कल जो वाकया पेश आया है पुलिस का, ये बड़ा ही बदबख्ताना वाकया है। और शुरू दिन से, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, पहले का लॉकडाउन और अब का लॉकडाउन, पुलिस का रवैया ऐसा है कि जहाँ से कोई भी मुस्लिम चेहरा अगर नज़र आ रहा, हुलिया उसका, तो पुलिस वाले जो है उसके आंग पे पड़ के, जैसा एक कुत्ते जो है किसी के आंग पे पड़ के फाड़ते हैं, जंगली कुत्ते, उस तरीके से ये रवैया है हैदराबाद पुलिस का। ख़ास तौर पे हैदराबाद, साइबराबाद, निज़ामबाद, ये पूरे पुलिस के एक मुसलसल ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे हैं। रही बात कल जो वाकया हुआ, हुसामिया ख़ानदान का पुलिस और ये जुल्म, ये पहला वाकया नहीं है। आप मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आकिल साहब का अगर तारीख निकाल कर देखेंगे तो एक बड़ी तवील तारीख है कि इमरजेंसी के दौर में ज़बानबंदी की गई, गिरफ़्तार किया गया, कई ऐसे केसेस पेश आए। तो ऐसे वाकयात से अगर कुछ लोग यह समझ रहे हैं कि मौलाना को डरा देंगे या उनके चाहने वालों को हुकूमत के ख़िलाफ़ में बोलने से रुका देंगे, तो ये होने वाला नहीं है। स्प्रिंग को जब आप दबाते हैं तो और उछलता है स्प्रिंग। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वाकया होकर तकरीबन 24 घंटे का अरसा है, ना तो हमारे सेकुलर चीफ मिनिस्टर की ऑफिस से या उनके बेटे KTR की तरफ से
या हमारे मुस्लिम होम मिनिस्टर जो हैं महमूद अली साहब की तरफ से, या वो कमिश्नर ऑफ पुलिस संजनी कुमार साहब जो हमारे महफिलों में आके मुस्लिम दोस्ती का सबूत देते हैं, बार बार पेश करते हैं, उन्होंने कम से कम एक टेलीफोन करके कि मौलाना क्या वाक़िया हुआ, मैं उसके ख़िलाफ़ में एक्शन ले रहा हूँ, आप रिटर्न कंप्लेंट दिए, आपके साथ जो वाक़िया हुआ, ऐसी कोई भी वाक़िया नहीं हुआ, ना कोई सियासी जमातों की तरफ से पहल की गई। हमारा और मौलाना के घराने का एक बहुत तवील तारीख रही। मेरे वालिद बहुत चाहने वाले थे मौलाना उसामुद्दीन आफिल साहब के, और मैं हमारे जाफ़र पाशा को अपना सरपरस्त मानता हूँ हमेशा से, और एक सरपरस्त और एक चाहने वालों की हैसियत से मैं यहाँ पर हूँ, इसमें कोई सियासी वो नहीं है। बड़े तकलीफ़ के साथ, बड़े शदीद गमो गुस्से के साथ, अभी भी वक्त है हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस को चाहिए कि वो मौलाना के घर पर आएँ, आकर उनसे मुलाकात करें, और वो कौन पुलिस ऑफिसर है उसके खिलाफ़ में एक्शन लेना चाहिए। मैं बारहा कह रहा हूँ कि स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन है, क्या सीएम चंद्रशेखर राव साहब है या महेंद्र रेड्डी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। सीएम साहब एक जियो निकाले हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द लॉकडाउन, और महेंद्र रेड्डी साहब अपना एक नया कानून निकाल के कभी जोमेटो वालों पे जुल्म, कभी स्विगी वालों पे जुल्म, कभी हेल्थ स्टाफ के ऊपर जुल्म। अब आप देखिए, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि 1 बजे अपने कारोबार बंद कर देना चाहिए, 2 बजे से पहले आप मकान पर आ जाना चाहिए। ट्रैफिक जाम की यह हालत है, मैं चंचलगुड़े से पंजेशा आने मुकम्मिल 1 घंटा लगा मेरे को। आखिरी में यह सोच रहा था कि मैं गाड़ी बाजू रख के पैदल चले जाऊँ क्या। और दूसरी चीज़, जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ये बोल रहे हैं कि मौलाना बदतमीजी किए, अगर वाकई मौलाना कुछ अगर बदतमीजी पर उतर जाते तो कल शहर को आँच लग जाती थी। मौलाना के इतने चाहने वाले हैं, मौलाना को बदतमीज़ी करने की ज़रूरत ही नहीं है। मौलाना के साथ वो रवैया जो होते हुए अगर कोई देख लेता कल, अभी मौलाना किसी को बोले नहीं, कोई कॉल नहीं दिए, अगर मौलाना की जगह कोई दूसरे रहते तो बंद का कॉल देते, हम गड़बड़ करते, लेकिन ऐसे मौजू पे हम ये नहीं चाह रहे। अभी भी कमिश्नर ऑफ पुलिस डायरेक्टर जनरल महेंद्र रेड्डी और महमूद अली साहब को वक्त है, आज शाम तक कुछ ना कुछ इस मसले के ऊपर आप बोलिए, नहीं बोलने की सूरत में फिर हमको एक्शन में आना पड़ेगा, हमको रोड पर आना पड़ेगा, हमको अपनी ताकत का मुजाहरा करना पड़ेगा तुमको दबाने के लिए। मैं बड़े माजरत के साथ कि मैं कल हाजिर नहीं हो सका, मैं क्योंकि हमारे जो एडमिन है उनका ऑपरेशन चल रहा था जूबली हिल में अपोलो हॉस्पिटल में, शाम में 7:30 तक वो ऑपरेशन चला, मैं हाजिर नहीं हो सका। मैं माजरत चाहता हूँ इनके तमाम चाहने वालों से, मैं माजरत चाहता हूँ, और मैं खुद एक हुसामिया ख़ानदान परिवार का खिदमत गुजार हूँ। करीम, मैं इस मौके पर हमारे बिरादर खाले साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपनी मोहब्बत में यहाँ तक तशरीफ़ लाए। मगर कल जो कुछ हालात मैंने देखा और जो कुछ हालात आजकल शहर हैदराबाद के चल रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि मुसलमानों से एक खुलकर दुश्मनी निभाई जा रही है और मुसलमानों को निशाने पर रखा जा रहा है। चुनाचे हर वो आदमी को जो 2-4 मिनट की भी ताखिर करता है, वो अगर ताखिर भी नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर केस बुक किया जा रहा है, बिल्कुल, और उसको फंसाया जा रहा है। और ये मेरे को ऐसा समझ में आता है कि ये पुलिस जो है इस वक्त हमारी मौजूदा हुकूमत को बदनाम करने की एक साजिश कर रही है, और हमारे ऊपर जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं वो भी इतने अकलमंद नहीं है कि उनकी बात समझ में आए। मगर मैं हमारी हुकूमत से खुल के बात कह रहा हूँ कि आप जो ये केसेस बुक कर रहे हैं और जो बच्चों को ऐसे केसेस में क्रिमिनल केसेस में आप डाल रहे हैं, ये आपके लिए आइंदा इलेक्शन में नुकसानदेह साबित होगा। इसको आप सोच लीजिए, उसके बाद जो आप करना है करिए। और मैं इस वक्त फिर एक बार आवाम से ख्वाहिश करूँगा कि मुसलसिल मुझे कल से फ़ोन आ रहे हैं कि हम कोई तहरीक चलाएंगे या हम कोई करेंगे। मैं सबको ये बात पर रुका रहा हूँ कि मौजूदा हालात ऐसे नहीं है कि हम कोई काम ऐसा करें कि कानून को अपने हाथ में ना ले, और बल्कि हम जितना हो सके कोशिश करें कि कानून में रहकर इनको सबक सिखाएं और इनको इसका जवाब दें। मैं आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे खालिद साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आप सबको जज़ा खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।
हूँ।